वीर सावरकर जो हैं, वो अपनी जेल में रहते हुए एक बुलबुल के ऊपर बैठकर उड़ते थे, पूरे देश में घूमते थे, देश की हालत को देखते थे कि अंग्रेजों ने कितना नुकसान किया है, क्या किया है। वापस वो बुलबुल उन्हें ले जाती थी, जेल में छोड़ देती थी। अंडमान निकोबार यानी काला पानी की जो जेल थी, वहां का वो सफर करते थे बुलबुल पर बैठकर। और वैसे तो उस जेल में कोई छेद नहीं था, कोई किसी के आने जाने की जगह नहीं थी, लेकिन बुलबुल है, सावरकर है और ये कहानियां गढ़ने वाले मनुवादी ब्राह्मणवादी हैं, तो फिर भला क्या चिंता, सब कुछ तो मुमकिन।